हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ उड़द दाल के बहुत ही टेस्टी पकौड़े और बहुत ही इजी तरीके से इसे बनाया जा सकता है। तो सभी को उड़द दाल बहुत पसंद है, लेकिन जो लोग फैलेरिया के पेशेंट है उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात होती है इस दाल को खाने के बाद। तो यहाँ पे देखिये, उड़द दाल को मैंने रात में भिगो रखा था, अभी ये बहुत अच्छे से फूल चुका है, इसे मैंने पानी से बाहर भी निकाल लिया है। तो चटपटी सी पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उड़द दाल को दरदरा पीसना होगा। तो आइए पहले मिक्सी बाउल में इसे पीस लेते हैं। एक चम्मच के करीब इसमें हम जीरा डाल रहे हैं, जीरा जरूर डालें। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ छिली हुई लहसुन की कलियां और थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च हमने डाला है, और दो से तीन चम्मच के करीब इसमें पानी डालूंगी तो पेस्ट थोड़ा स्मूथ बन जाएगा और जल्दी पीस जाएगा। इस वजह से दो चम्मच या एक चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मिक्सी बाउल में जो दाल है अच्छे से घूम पाए। तो फ्रेंड्स, ये चटपटी सी रेसिपी बनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे दरदरा सा दाल रेडी हो चुका है, फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारे दाल को पीस के। तो यहाँ देखिए, हमने सारे दाल पीस लिए हैं, एक थाली में मैंने निकाल लिया है। इसे बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है और इसमें हम डाल रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक कम ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि इस दाल की पकौड़े में नमक कमी होना चाहिए। और हल्दी और कटी हुई हरी मिर्च, और मैं इसे बहुत ढेर सारा धनिया के साथ बनाऊंगी, एकदम ग्रीन वाला। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे हरी धनिया कटा हुआ डाल दिया है। तो ये धनिया ज्यादा डालें तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसकी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे विदाउट मसालों के साथ, हमने इसे बनाया है, कोई भी मसाला हमने इसमें यूज नहीं किया है। तो इसे हाथों से बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। यकीन मानिए, बिना मसालों का ये बनेगा तो भी बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये उड़द दाल का पकौड़ा। तो इसका मेदू बड़ा भी बनता है, उड़द बड़ा भी बनता है और पकौड़े भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पकौड़े बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगी ये। तो चलिए चलते हैं। टिफिन पूरी तरह से रेडी है और गैस के पास हम चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गैस पे रखी एक कढ़ाई जिसमें हमने डाला है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं है, ये रिफाइंड ऑयल है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें छोटे छोटे पकौड़े बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे फटाफट से, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो इसमें आप छोटे बड़े साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको बड़ा छोटा जैसा भी रखना हो। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज के पकौड़े इसमें डाल रही हूँ, और डालने के बाद 5 से 7 मिनट वन साइड इसे छोड़ देना है, उसके बाद इसे हमें पलट लेना है। तो छोटे चमची या पलटे किसी के साथ भी आप इसे पलट सकते हैं, इसलिए ये निकल जाता है, बिल्कुल भी ये नहीं चिपकता। आप इसे किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, लोहे की, नॉन स्टिक की, एल्युमिनियम की, इस सब में बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देता है। तो फटाफट से इसे हम उलट पुलट करके फ्राई कर लेते हैं। और तो आप देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है इसका देखने में, और टेस्ट तो आप पूछिए नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो इसे आप दही में भी डुबो के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं दूसरी रेसिपी जो शेयर करूंगी दही वाली, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट से इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, और सारे पकौड़े को हम एक ही तरीके से फ्राई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट बैच को फ्राई किया था वैसे हम सेकेंड को भी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पकौड़े को फ्राई कर लिया है। तो कैसी लगी हमारी ये छोटी सी आज की रेसिपी, जरूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो हमें जरूर बताइएगा, बेझिझक। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।